कोयला खदान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, 5 लोग कोयला निकालने के लिए पहुंचे थे। SCCL की दीपका कोयला खदान में कल हादसा हुआ था, तो एक की कल मौत हो गई थी। इलाज के दौरान आज 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। सुबह से रेस्क्यू शुरू कर दिया गया था, हालांकि रात को रेस्क्यू रोका गया था। सुबह से रेस्क्यू शुरू करने की तैयारी थी, सुबह से जब से रेस्क्यू शुरू हुआ सभी को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मृतकों की जो संख्या है वो काफी बढ़ गई है, अब 3 हो गई है। धीरज दुबे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं इसी खबर पर। तो धीरज, अपडेट दीजिए, क्या अपडेट है पूरे हादसे का? देखिए, इसमें कल ही 2 लोग को बाहर निकाल लिया गया था, जिसमें 1 लोग उपचार दौरान मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग जो और थे उनको निकालने के लिए सुबह रेस्क्यू चलाया गया। इसके बाद में 2 लोग मिट्टी के नीचे दबे मिले, और उसके बाद में एक जो है खदान के दूसरे 50 फीट नीचे खाई में गिरा हुआ था, जिसको निकाला गया, वो घायल अवस्था में था, उसे उपचार के अस्पताल पहुंचा दिया गया है। यहाँ से जब से कल से खबर मिली थी उसके बाद बचाव दल रेस्क्यू लगातार चला रहा था। अभी जो तत्काल जानकारी मिली थी, जो ग्रामीण है वो थाने पहुंच चुके हैं और वहाँ पे हंगामा कर रहे हैं जी। तो बाकी जो 2 घायल हैं उनकी हालत कैसी है धीरज? बाकी जो 2 घायल बचे हैं उसमें एक अमित कुमार 17 वर्ष की और एक लक्ष्मण ओझे करके, इन दोनों का उपचार जारी है, दोनों खतरे से स्थिति कम बाहर बताई जा रही है। ये सभी जो 5 लोग थे वो एक ही गांव के थे, और जो बंद पड़ी जो SCCL की खदान है वहां पर मिट्टी के नीचे जो कोयला डंप रहता है उसको निकालने गए हुए थे। साइकिल से पहुंचे तो उसी दौरान जो लैंडस्केप हो गया, मिट्टी जो है धसकने लग गई, और उसके बाद में ये सब उसी की चपेट में आ गए, क्योंकि जो लक्ष्मण ओढ़े था वो ऊपरी हिस्से में था, ऊपरी हिस्से में होने की वजह से वो खदान के दूसरे हिस्से तक गिर गया, लेकिन उसका किसी को अंदाजा नहीं था, क्योंकि रात में उसका पता नहीं चल पाया। सुबह जब रेस्क्यू ऑपरेशन चला और खोजबीन शुरू की गई तो 2 लोग जो मर गए, नीचे दबे मिले, और बाकी जो है एक जो लक्ष्मण ओढ़े था वो खदान दूसरे साइड था, जिसके बाद में वहां जाकर के उसको रेस्क्यू किया गया और अभी उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उसे कमर और बाकी पैर में चोट लगी है जी। शुक्रिया धीरज जानकारी के लिए। मौत हुई है, एक घायल मजदूर का हरदी बाजार में इलाज चल रहा है, 3 मजदूर अभी भी दबे हैं, आज रेस्क्यू की टीम जुटेगी, 5 लोग कोयले को निकालने के लिए पहुंचे थे अस्पताल में, इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है, एक घायल मजदूर का हरदी बाजार में इलाज चल रहा है। आज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है, एक घायल मजदूर के हरदी बाजार में इलाज जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन बिहनिया आज बिहनिया तक स्थगित कर दे गए रही से, और बिहनिया 3 मजदूर के रेस्क्यू में टीम जुटे के अनुमान लगाए गए रही से, जानकारी दे गए रही से। फिलहाल 5 लोगन मिट्टी के नीचे कोयला निकाले भर गए रहे, दौरान मिट्टी धस गई और देखा कौन तरह ले मजदूर मना चोट आए। फिलहाल कोरबा ले बड़े खबर है, दीपका कोयला खदान में बड़े हादसा हुए हवे और मजदूर के, फिलहाल एक मजदूर के इलाज के दौरान मौत हो गई है और एक के अभी भी इलाज जारी है। फिलहाल आप मतलब बता दें कि कल संझा के घटना हवे और रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन ला रोक दे गए रही से, बिहनिया फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करे जाए। मजदूर का हरदी बाजार में अभी भी इलाज जारी है, 3 मजदूर अब भी दबे हुए हैं, आज रेस्क्यू में टीम जुटेगी, 5 लोग कोयले निकालने के लिए अंदर गए थे। फिलहाल बड़ी खबर है कोरबा से, दीपका कोयला खदान में मजदूर धस गए और बताया जा रहा है कि 5 मजदूर कोयला निकालने के लिए गए थे, लेकिन 3 मजदूर अभी भी मिट्टी में धसे हुए हैं, 2 मजदूरों को बाहर निकाला गया, 1 मजदूर की फिलहाल इलाज के दौरान मौत हो गई और 1 मजदूर अभी भी इलाज उसका चल रहा है अस्पताल में। फिलहाल मिट्टी के नीचे दबे कोयले को निकालने के लिए मजदूर गए थे, इस दौरान यह हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि कल रात को रेस्क्यू रोक दिया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था, सुबह इसे फिर से शुरू करने की तैयारी थी। तो चलिए इसी खबर पर धीरज दुबे कोरबा से सीधे लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। तो धीरज, रेस्क्यू शुरू होने वाला था, क्या रेस्क्यू शुरू हो गया, क्या अपडेट है खबर पर अब तक? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जैसे हुई उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया गया और 1 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद में जो दबे 3 मजदूर थे वो 3 मजदूर मिल गया है। इसमें 2 मजदूर की मौके पर मौत हो गई थी, वो मिट्टी के नीचे दब गए थे, 1 मजदूर था खदान के ऊपर 50 फीट नीचे खाई तक गिरा हुआ था, जिसकी जो घायल अवस्था में मिला है सुबह के समय में, और उसको उपचार के अस्पताल में गया है। इस तरह जो कोयला निकालने गए 5 मजदूर में मरने वाली संख्या 3 हो गई है और जो घायल मजदूर है वो 2 है। फिलहाल ताजा जानकारी सामने आ रही है, तो मृतक मजदूर के परिजन है वो यहाँ पे हरदीपा पुलिस चौकी पहुंच चुके हैं, वहाँ पे मुआवजे और बाकी की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा मंडल की बात करते हुए एक्सप्रेस प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।
साथ में उनके मोदी की मांग को लेकर के वो हंगामा वहां पे किए हुए हैं। जी शुक्रिया जानकारी के लिए। 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। 5 लोग कोयला निकालने के लिए पहुंचे थे। SECL की दीपिका खदान में कल ये हादसा हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अभी भी उनका इलाज चल रहा है। 1 की कल मौत हो गई थी और आज 2 लोगों ने दम तोड़ा है। 2 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जो हमारी जानकारी है, मिट्टी के नीचे दबे कोयले को निकालने के लिए ये 5 मजदूर गए थे। SECL की दीपिका कोयला खदान है। मिट्टी के नीचे जो दबे हुए कोयले थे उनको निकालने के लिए गए थे। SECL की एक खदान है। 2 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मिट्टी के नीचे दबे कोयलों को निकालने के लिए, दबे हुए कोयले को निकालने के लिए 5 मजदूर गए थे। SECL की दीपिका कोयला खदान है और इसी में 3 लोगों की जान गई है। कोयला खदान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है। कल 1 की मौत हुई थी और आज 2 लोगों की और मौत हुई है, यानी ओवरऑल संख्या जो हो गई है वो 3 हो गई है। धीरज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धीरज, ये तो SECL की कोयला की खदान है, तो जब ये 5 मजदूर नीचे गए थे तो वो जरूरी एहतियात बरता गया था कि नहीं बरता गया था SECL की तरफ से? कैसे 3 लोगों की जान चली गई, किसकी लापरवाही की वजह से? ग्रामीण जो है कोयला निकालने के लिए गए हुए थे और ये साइकिल में कोयला निकाल करके आसपास में बेचा करते थे। ये 5 ग्रामीण एक गांव है, जो सुबह बोड़ी एक गांव है का जो है खदान हुआ करती थी, बंद हो गई है क्योंकि मिट्टी के नीचे अभी बहुत सारा कोयला दबा हुआ है जो की ओवर बर्डन से आया हुआ रहता था। उसको मिट्टी को किनारे करके ये कोयला को निकालते थे और साइकिल में लोड करके आसपास के क्षेत्रों में बेचा करते थे। कल देर शाम जब ये ग्रामीण वहां पर पहुंचे हुए थे तो यहाँ पे वही काम कर रहे थे। एक जो मजदूर था वो ऊपर में चढ़ के कर रहा था और बाकी जो 4 ग्रामीण थे वो नीचे से कोयला निकाल रहे थे। उसी बीच में मिट्टी का धसलने की वजह से जो 5 श्रमिक थे वो उस चपेट में आ गए और जिसके बाद में जो आसपास के लोगों ने देखा उसके बाद में पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वह मौके पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। बाद में जो SECL के अधिकारी पहुंचे और उसके रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया। तो कल देर शाम को 2 मजदूरों को वहां से वापस निकाल लिया गया था, जिसमें से 1 की उपचार के दौरान मौत हो गई और जो बचे 3 मजदूर थे उनको आज सुबह रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 2 की मौत हो गई है और 1 मजदूर जो है खदान के दूसरे हिस्से कहीं 50 से 60 भी गिर चुका था उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो फिलहाल जो मजदूरों की मौत का आंकड़ा है अब वो 3 हो चुका है और जो घायल मजदूर है वो 2 है। उन दोनों घायल मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जिनके उपचार भी जारी है। जो घायल हुए मजदूर है उनके कमर और पैर में काफी चोट लगी हुई है, जिसका उपयोगी लगातार उपचार चलेगा। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण आक्रोशित है, जो आसपास के लोग हैं वहाँ पे सुरक्षा एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं और मुआवजे की मांग को लेकर थाने में पहुंचे हुए हैं और वहाँ जोरदार हंगामा कर रहे हैं। यानी जो ग्रामीण हैं और स्थानीय लोग हैं उन लोगों में आक्रोश है, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता धीरज बता रहे हैं। शुक्रिया धीरज।